स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिच्छदि वन्दितु शब्द शब्दे धूमचल मरो वयम वयम पत्ते वो छामी समय पावर में वो श्री केवली अधिकार में यद्यपि बात क्रोधादि भावों से शुरू की थी, भाव आश्रम से शुरू की थी और कहा था गुणचास में कल गुणचास गुणोत्तर में कलश में मंगलाचरण का है कि एको आत्मा महम कर्ता कर्म को उपादयोमि, एक आत्मा में करता हूँ और क्रोधादि भाव मेरे कर्म है। इत्यक ज्ञानम समझ ममता करती कर्म प्रवृत्ति, अज्ञानियों में अनादि काल की ऐसी कर्म प्रवृत्ति है कि मैं हूँ कर्ता और क्रोधादि कर्म है मेरे कर्म। देखो जब क्रोधादि बोलते हैं तो भाव कर्म को लेना, जब ज्ञानावरण आदि बोले तो द्रव कर्म को लेना। भाव कर्म जो है ना 25 कसाएं वो क्रोध से शुरू होती है, तो क्रोध आदि इसमें ताकतवर कौन सा कर्म भाव कर्म है? महाराज जी फरमा रहे ताकतवर कौन है? पुद्गल में पुद्गल ताकतवर है और जीव में जीव ताकतवर है। ये जैन धर्म का महा सिद्धांत है। जीव का नहीं पूछ रहा हूँ, भाव कर्म जीव की पर्याय है और द्रव कर्म पुद्गल की पर्याय है। अपने कल परसों थोड़ी चर्चा की थी कि द्रव कर्मों में जो 8 कर्म हैं, 148 प्रकृति की बात नहीं करता हूँ, 8 कर्म हैं उनमें 7 कर्म का उदय हमको ऐसा विकार पैदा नहीं कर सकता कि जिससे हमें आगामी कर्म बन जाओ। आघात दिया तो इसलिए एकदम बेकार हैं कि संयोग दिलाते हैं और संयोग के कारण कभी बंध नहीं होता। और घातिया कर्मों में भी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय इनके उदय से जो दशा होती है उससे भी बंध नहीं होता। सिर्फ एक मोहिनी कर्म ही बलवान है, तो कर्म की दृष्टि से मोहिनी कर्म और भाव की दृष्टि से मोह राग द्वेष के भाव, भाव कर्म तो मोह राग द्वेष के अलावा कोई है ही नहीं। ज्ञानावरणी कर्म के उदय में जो अज्ञान होता है वो भाव कर्म नहीं कहलाता, दर्शनावरणी कर्म की वजह से जो अदर्शन होता है वो भाव कर्म नहीं कहलाता, अंतराय कर्म की वजह से जो अलाप वगैरह होते हैं वो भाव कर्म नहीं है। भाव कर्म सिर्फ मिथ्यात्व तो रागोद्वेष। तो अब 7 कर्म तो रह गए ना, मिट्टी के ढेले के समान लिखा है कुंड गुण ने, पुडवी पिंड समाना के वे कर्म पृथ्वी के धीरे के समान है। अब यहाँ जो 84 में गाथा महाराज जी ने बताई है तो वो 83वीं गाथा में ये कहा था कि निश्चय नए से आत्मा अपने को ही करता है और अपने को ही भोगता है, है ना? 83वीं गाथा निश्चय नए एवं आदा अपान मेव ही करे दी वेद दिए पुणोतम चैव जान अत्ता तु आत्तानम। और अब इसमें कहते व्यवहार दिखाते हैं कि यद्यपि परम सत्यवाद ये है, कौन सी है कि निश्चय नए से भगवान आत्मा अपने आत्मा भावों का करता है। अभी इसमें महाराज जी विकारी और निर्वल भावों का भेद नहीं डाला, इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी आत्मा का भेद नहीं डाला। वहाँ कह दिया कि आत्मा करता है और किनका अपने भावों का, तो ज्ञानादि अविकारी भाव है, रागादि विकारी भाव है, दोनों का करता है, एक का ज्ञानी एक का अज्ञानी। तो ये कहते हैं दुनिया में व्यवहार तो हम ये कहते हैं कर्मों का करता है, ज्ञानावरण आदि कर्मों का करता है और मोह ये राग देश शरीर आदि नौ कर्मों का करता है। कहते व्यवहार से दुआदा पुगल कम्मम करेदि नेह विहम नो चैव पुणो बे कम्म फलम पुगल कम्म फलम अनेक। व्यवहार नए से है आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है और अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को भेजता है। कल मैंने एक बात कही थी, इसमें जो 83 गाथा में भाव विभावक भाव और उत्तरंग निस्तरंग का भी थोड़ा सा हाँ हाँ प्रैक्टिकल रूप में
यथोत्तर निस्तरंग अवस्था समीर संचरण निमित्त एक ही बात है इसमें कि जैसे हवा चलती है तो समुद्र में ऐसी तरंगे उठती हैं ऊपर को, और हवा मध्य पड़ती है तो वो तरंगे शांत हो जाती हैं। तो उस तरंग उत्तरंग और निस्तरंग माने हम तरंगों का उठना और तरंगों का शांत होना, ये में निमित्त हवा है, लेकिन उपादान वो समुद्र ही है। क्यों? क्योंकि जब समुद्र में भाटा आता है तो कितनी ही हवाएं चलें और कितनी ही नदियों का पानी समुद्र में गिरे, ज्वार नहीं आ सकता। और जब ज्वार आता है तो कितना ही ऊपर से सूरज की गर्मी पड़े और आप रोकें तो उस पानी को रोक नहीं सकते। तो हवा से यदि तरंगें उठती होती और हवा के से बंद होती होती तो ज्वार के काल में कम हवा में भी वो इतनी तेज तरंगें कैसे होती और भाटे के काल में ऐसी क्यों होती है? फिर भी ये जो तरंगों का और हवा का चलना और नहीं चलना, इनका सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब जब तरंगें उठेंगी तब गारंटी से हवा चल रही होगी, जब जब हवा चल रही होगी तब तक तरंगें उठेंगी। वो छोटी छोटी वाली तरंगें जो अंदर से उठती है ना, उसकी बात नहीं है। तो ये कहते हैं कि एक कर्म का उदय और आत्मा में मुख राग द्वेष के परिणाम, आत्मा के मुख राग द्वेष के परिणाम हैं ये तरंग है, और कर्म का क्रोध आदि कर्म का उदय है वो हवा है। तो अपन एक इससे देखो, एक निर्णय होता है बहुत मार्मिक कि हमको बहुत तेज गुस्सा आ रहा, तो उससे ये निर्णय पक्का होता है कि हमारे तीव्र क्रोध कर्म का उदय है। अब उल्टा करो कि हमको तीव्र क्रोध कर्म का उदय हो तो तीव्र गुस्सा आएगा क्या? नहीं, तो कोई गारंटी नहीं है। मुनिराजों के कितना समता भाव होता है और पुराना बहुत सा तीव्र कर्म का उदय आकर खिल जाता है। तो कर्म के उदय के साथ क्रोधादि विकार होने का नियम नहीं है, लेकिन क्रोधादि विकार हो रहे हों तो कर्म का उदय गारंटी से है, ये नियम है। माने उल्टा नियम है, ये धुआं अग्नि का होता है ना, ये धुआं है तो अग्नि अवश्य होगी, अग्नि हो तो धुआं हो भी हो नहीं भी हो। तो अभी दो हेतु होते हैं, कारक और एक ज्ञापक महर्षि। कारक हेतु का मतलब उसको उसने किया है, और ज्ञापक माने उससे मालूम पड़ता है कि वो चीज वहां है। तो अग्नि धुआं का कारक हेतु है क्योंकि अग्नि से धुआं आया है, और धुआं अग्नि का ज्ञापक हेतु है क्योंकि धुआं को देखकर अग्नि का ज्ञान हुआ है, धुआं के ज्ञान से अग्नि का ज्ञान हुआ है, इसलिए वो ज्ञापक है। किया कुछ नहीं, धुआं ने अग्नि को पैदा नहीं किया, लेकिन जहाँ धुआं होगी तो अग्नि अवश्य होगी। तो जहाँ कर्म का मतलब द्रव्य राग द्वेष होगा, क्रोध होगा, तो द्रव्य कर्म अवश्य होगा, एक ज्ञापक नियम है। यानी हमारा क्रोध तो दिखाई देता है, द्रव्य कर्म दिखाई नहीं देता। यद्यपि शास्त्रीय भाषा में बात करेंगे तो द्रव्य कर्म है स्थूल और भाव कर्म है सूक्ष्म, तो इसलिए हमें द्रव्य कर्म दिखाई देना चाहिए और भाव कर्म दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन उल्टा है, द्रव्य कर्म सूक्ष्म है। क्यों? तो वो कारमान वर्गना अत्यंत सूक्ष्म है, और भाव कर्म यद्यपि उससे सूक्ष्म है लेकिन वो हमारी पर्याय है ना, तो हमारे अनुभव में आ जाती है। फिर कहता हूँ कि आपका द्रव्य कर्म और आपका भाव कर्म, मुझे आपका द्रव्य कर्म स्थूल होगा, भाव कर्म सूक्ष्म होगा, लेकिन मेरा द्रव्य कर्म और मेरा भाव कर्म, मेरे लिए भाव कर्म स्थूल है, क्योंकि गुस्सा आता हुआ मुझे दिखाई देता है, घमंड होता हुआ मुझे दिखाई देता है, लोभ होता हुआ मुझे दिखाई देता है, और क्रोध कर्म का उदय आ रहा है कि नहीं आ रहा ये दिखाई नहीं देता। तो ज्ञात से अज्ञात का अनुमान किया जाता है, तो क्रोध तो है ज्ञात गुस्सा, और कर्म का उदय है अज्ञात, इससे हमको लगता है कि हमारे तीव्र क्रोध कर्म का उदय है।
तो ये तो हमने सिर्फ जाना, द्रव्य कर्म के उदय को भाव कर्म से जाना, तो ज्ञापक हेतु कहलाता है कि वो तो सिर्फ जानने के काम आता है। गुरु का अविनाभ ही संबंध है। हाँ, ऐसा अविनाभ भावी संबंध भी एक तरफा लगता है महाराज। ऐसा लगता है कि धुआं होगा वहाँ अग्नि अवश्य होगी, और फिर जब लौटते हैं ना वितरिक लगा, इधर अनुभव हो गया अब वितरिक, तो जहाँ अग्नि नहीं होगी वहाँ धुआं नहीं होगा। लौट के ऐसा नहीं कह सकते जहाँ धुआं नहीं होगा अग्नि नहीं होगी। द्रव्य कर्म होगा वहाँ भाव कर्म होगा क्या? हाँ, यही तो बोल, यही तो नहीं बैठता है ना। हाँ, मैं फिर कहता हूँ अभी तो महाराज, बहुत अच्छा प्रश्न है कि द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म हुआ, तो भाव कर्म यदि हमें दिखाई दिया तो उससे ये नक्की है कि उसके द्रव्य कर्म का उदय है, एक बात तो पक्की हो गई। अब इसलिए उलटते हैं कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म का नियम है कि नहीं है, जो आपने अभी पूछा मेरे से कि अंदर में द्रव्य कर्म का उदय हो तो भाव कर्म होगा कि नहीं होगा। यदि ये सर्वथा मान लें तो मोक्ष का मार्ग रुक जाता है, मोक्ष का मार्ग ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसा अनादि काल से आज तक कौन सा काल है कि जब इस जीव के मिथ्यात्व का उदय नहीं था, और मिथ्यात्व के नाश का पुरुषार्थ मिथ्या दृष्टि करते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं, उनके तो मिथ्यात्व है ही नहीं। तो मिथ्यात्व के नाश का उपाय मिथ्यात्व के उदय के काल में होता है, जैसे तिलक ने नारा लगाया था ना, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसमें क्या बात है? अरे कैसे नहीं, जब उसके गुलाम थे जिनका सूरज नहीं डूबता था, उस वक्त ये कहना कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है उसकी कीमत बहुत जुदी है, और आज कहना उसमें कीमत में बहुत फर्क है। वो ये कह रहे हैं कि द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म यदि नियम से करना पड़े तो अनुपात में मात्रा टू मात्रा, तो हमेशा द्रव्य कर्म मौजूद है अनादि से, और गुस्सा आता ही रहेगा, मिथ्यात्व होता ही रहेगा, और उससे नया कर्म बनता ही रहेगा, तो थोड़ा सा रास्ता तो खुला है। क्या रास्ता खुला है? कि जब द्रव्य कर्म का उदय आए तो उस वक्त हम क्रोध ना करें कि तीव्र नहीं करें, कम करें, ये हमारे हाथ में है, यदि इसे भी आप छीन लेंगे तो संतम खेले, फिर तो वही अनादि परंपरा हो जाएगी, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। हाँ, वो छोटा मजी ने मोक्ष प्रकाशक में लिखा है कि यदि पानी में आदमी बहता जाता हो और तीव्र वेग हो तो उस वक्त हाथ पैर मारेगा तो हाथ पैरों में दर्द हो जाएगा, थक जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, तो उस वक्त वो क्या करे कि चुपचाप बहे, और जब वो थोड़ा मंदा हो, जहाँ पर पानी हो, बाद में पास में वृक्ष हो, धारा थोड़ी मंद हो, तो वहाँ जो ताकत बची है हाथ पैर मार के फटाफट उसे पकड़ ले तो बच जाएगा। यदि वो सारी ताकत तीव्र वेग में खर्च कर देगा तो फिर वो मंद वेग में भी नहीं बच पाएगा, तो तीव्र कसाई के वेग में बचना बहुत संभव नहीं है, बहुत कठिन है, असंभव ही जैसा है, लेकिन मंद के उदय में उसकी उपेक्षा की जा सकती है। मैं पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण देता हूँ, बहुत मान में सबको पता है कि पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ, कमठ ने किया। अब मेरा एक टेढ़ा प्रश्न है कि उपसर्ग पुण्य के उदय से होता है कि पाप के उदय? घबराना नहीं, मतलब सोचना आप गंभीरता से, कोई पुण्य के उदय से तो उपसर्ग होता नहीं, धर्म से तो उपसर्ग होता नहीं, कोई पुराना कोई पाप कर्म का उदय आया उनका और उसी से वो उपसर्ग हुआ, और जितना तीव्र उदय आया मतलब उसी अनुपात में उपसर्ग में भी तीव्रता रही। तो बाह्य निमित्त तो कौन है? वो जो कमठ है, गालियां दे रहा है, पत्थर बरसा रहा है, तो वो निमित्त मौजूद है। अब उस निमित्त में पारसनाथ को गुस्सा करना अनिवार्य होता, तब वे भी पूर्ण वितरागी तो हुए नहीं, क्रोध कसाया तो उनकी थी उस वक्त, संजुलन क्रोध ही सही, और दूसरे मुनिराजों को गुस्सा आ भी जाता है, तो यदि वो रास्ता उसके अनुसार ही उनको काम करना पड़ता होता
तो फिर भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान नहीं होता। अब एक बात कही, तो ये बहिरंग निमित्त है कौन, गालियां देना, अवसर करना, तो वो जो कर्म का उदय है वो अंतरंग निमित्त है। तो एक निमित्त के उदय को हम टाल सकते हैं, तो दूसरे उदय के निमित्त को क्यों नहीं टाल सकते। मतलब सामने वाला गालियां बकता रहे और हम अभी मतलब अनंतानंद जी के नहीं तो अप्रत्याखाना बन गए, क्रोधी हैं, और हम शांत बैठे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। तो हमारा कर्म का उदय भी जोर मारता रहे और हम शांति बैठे, अकाम मिर्जा कैसे होगी। अकाम मिर्जा कहते ही उसे हैं कि अंदर से हमारी प्रतिकूलता आवे और हम जानते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, तो मंद कैसा ऐसे उसको समय को पास कर देना, निकाल देना, तो अकाम मिर्जा होती कि नहीं होती। तो यदि उस क्रोधादि को कसायों को अपने बस की बात बिल्कुल नहीं होती तो फिर हम दुष्चक्र में फंस जाएंगे। इतना ही सा रास्ता तो खुला है मोक्ष मार्ग का कि जब कर्म का उदय आए और हम विकार नहीं करें तो फिर नया कर्म नहीं बने, वो दुष्चक्र टूट जाए। पिचासी में गाथा में चौरासी गाथा में व्यवहार में बताया है, और जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि समय सार की ये स्टाइल है कि एक गाथा में व्यवहार में बताएंगे तो तत्काल दूसरी गाथा में उसका खंडन कर देंगे, ऊपर की पंक्ति में व्यवहार में बताएंगे तो नीचे की पंक्ति में निषेध कर देंगे कि उनमें निषेध निषेधक संबंध है। देखो मैं अभी गाथा गाथा पढ़ता हूँ दोनों, फिर ती का बाद में पढ़ेंगे। व्यवहारस्य दुआदा व्यवहार नैसे आत्मा पुद्गल कर्मो मणे भी हम करे दी, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है ना। तम चैव पुणो वेद दी, और उन्हीं पुद्गल कर्म के उदय को वो आत्मा भोगता है, क्यों अनेक प्रकार के जो पुद्गल कर्म है उन्हें भोगता है, उनका करता है। अब देखिए आगे गाथा, यदि पुद्गल कर्म मृणम कुबदी तम चैव वेद यदि आदा दुख क्रिया विदरतो पसज्जये सो जनामदम। कहते हैं यदि पुद्गल कर्म को आत्मा करे और भोगे, पहली गाथा में खुद कह रहे और दूसरी गाथा में कह रहे करे और भोगे, तो जीव दुख क्रियावादी हो जाएगा, और दुख क्रियावाद जो है वो जनाब सदम माने जिनेन्द्र भगवान को पसंद नहीं है, जिनेन्द्र सम्मत नहीं है। ये बात भगवान को पसंद नहीं है कि एक दुख क्रियावादी क्या होता है कि एक द्रव्य के दो करता हूं वो दुख क्रियावादी, एक द्रव्य दो काम करे तो वो दुख क्रियावादी, दो द्रव्य मिलकर एक काम करें तो वो दुख क्रियावादी। वे कहते हैं इस बहुत अच्छा वर्णन है इसमें, और बनारसी दास के छंद बहुत अच्छे हैं इसमें इस इन्हीं प्रकरण पर। तीर नाम का बड़ा दार्शनिक था, दुख क्रियावादी था। हाँ दुख क्रियावादी था। एक ही कार्य से दो क्रिया, मैं इसके कई उदाहरण देता हूँ आपको तो अंदाजा लगेगा आपको कि शुभराग है, अब उसी से तो पुण्य बंध हो और उसी से मोक्ष मिले माने बंध का अभाव हो, तो दो काम एक साथ कैसे लेते हैं। एक कारण से दो काम, या तो उससे पुण्य का बंध कहो और या कर्म का अभाव कहो, है ना। अब आत्मा अपने भाव को भी करे और पुद्गल की क्रिया को भी करे, शरीर की क्रिया को भी करे और आत्मा आत्मा के भाव को भी करे, तो दो क्रियावादी हो गया, दो क्रिया उसकी, क्योंकि पुद्गल के नहीं हुआ। मैंने एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बहुत सरल है वैसे, कि 35 साल पुरानी बात है महाराज, कि आदर्श नगर में मैं प्रचार करने जाता था जयपुर में, तो वो चर्चा होती रहती थी। तो एक दफ़े मैं बड़े मंदिर से प्रचार करके आया तो दो आदमी लड़ रहे थे, आप वहाँ बैठे थे, और झगड़े का कारण ये था, एक कहता था कि जो खाना खाते हैं ना तो जीभ खाता है कि पुद्गल, ये दुख क्रियावाद से संबंधित है। तो मेरे से उनने पूछा साहब हमारा झगड़ा निपटाओ, वो ये भी कहा ये कहते हैं ऐसा और ये कहते हैं ऐसा। मैंने कहा देखो भोजन का टाइम है, पहले तो चलो अपन करके देखते हैं कौन खाता है, फिर बाद में अपन बात करेंगे। बहुत तेजी में थे दोनों, फिर बैठ के हमने चर्चा की, तो मैंने कहा कि उससे कि देखो भैया ये तो न जीव खाता है और न पुद्गल खाता है। तो एकदम गुस्से में बोला
कि इतना अनाज चला कहां जाता है। यदि इतना अनाज है, लाखों बोरी अनाज, यदि कोई न जीव प्रगल कोई नहीं खाता है तो चला कहां जाता है। तो मैंने कहा ये बात तुम जगजीवन राम से पूछो, उस वक्त खाद्य मंत्री जगजीवन राम थे। क्या कह रहे आप? मैंने कहा तुम्हारी समस्या वो अनाज कहां चला जाता ये है कि आत्मा क्या करता है, ये है तुम्हें क्या निर्णय करना है। तुम आत्मा की बात जानना चाहते हो कि आत्मा क्या करता है और क्या नहीं करता है, कि अनाज कहाँ चला जाता है ये जानना चाहते हो। ये समस्या हमारी नहीं है। तुम्हारा अगला प्रश्न ये क्यों नहीं हुआ कि यदि आत्मा खाता नहीं है तो क्या करता है, समझे ना? जो आत्मार्थी होता है उसको अगला प्रश्न आत्मा संबंधी होता है, है ना? और जो भोजनार्थी है उसे अगला प्रश्न भोजन संबंधी होता है। पत्नियां दो प्रकार की होती हैं, एक पति की पत्नी और एक भोजन की पत्नी। क्या बात कर रहे भोजन की पत्नी? कि जब पति शाम को घर आया, उन्हें जल्दी खाना खाने बैठो, रात हो रही है, कि नहीं आज भूख नहीं है, तो एकदम वो कहती है भूख नहीं है, कहाँ खा गया है? कि नहीं कहीं कुछ नहीं खाया है, लेकिन भूख ही नहीं है। तो तबीयत तो ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बैठो बैठो लेट जाओ दवाई दूँ। तो वो पति की पत्नी है। दूसरी पत्नी कहती है कि चलो फोन क्यों नहीं कर दिया, मैंने सब खाना बना लिया है, अरे खाने का क्या होगा, खाओ बैठो जाओ। वो मैं कह रहा हूँ खाने की पत्नी है, उसे खाने की चिंता हुई, पति की चिंता नहीं हुई। यदि पति ने भोजन करने से मना किया तो पति के बारे में चिंता नहीं हुई, खाए के बारे में चिंता हुई, खाने के बारे में। तो इस देश में खाना कोई समस्या है? लाखों लोग जो भूखे सोते हों वहाँ खाने का क्या होगा, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, क्यों? तो ऐसे ही हम आत्मार्थी हैं कि भोजनार्थी हैं, ये नक्की करो। हम कहते हैं हमारे यहाँ 1000 आदमी आएगा, शिविर है, ऐसा सुबह से क्लासें चलेंगी, आप सब लोग पढ़ाना। तो उन लोग एक प्रश्न है साहब बोलो, और भोजन? अरे भाई जयपुर के लोग भी खाना खाते हैं, और आपको बुला रहे हैं तो आपको भी खाना खिलाएंगे। लेकिन तुम्हारा प्रश्न भोजन के बारे में क्यों हुआ? तुम्हारा प्रश्न कौन कौन सा विषय चलेगा, समय सार चलेगा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक चलेगा, कौन पढ़ाएंगे, ये प्रश्न क्यों नहीं हुआ? तुम विद्यार्थी हो या भोजनार्थी? काम तो दोनों होंगे, भोजन की व्यवस्था भी होगी और पढ़ाई भी होगी, लेकिन तुम्हारी दृष्टि कहाँ केंद्रित है? तो मैंने कहा भोजन की समस्या है तुम्हारी कि अनाज कहाँ जाता है, कि आत्मा क्या करता है, ये समस्या है। हम तो आत्मा हैं। तो मैंने कहा देखो वो जो भोजन तो पेट में जाता है पुद्गल शरीर में, और आत्मा भोजन करने का भाव करता है, तो उस भाव का कर्ता आत्मा है। अब क्रिया दो हैं, एक पुद्गल की और एक राग की। तो दो कर्ता है, पुद्गल की क्रिया का कर्ता पुद्गल है और राग की क्रिया का कर्ता अज्ञानी आत्मा है। अब देखिए डॉक्टर साहब, हम एक प्रश्न करते हैं, ये शरीर खाता है कि मादा खाता नहीं? हाँ हाँ। आत्मा खाता है तो सिद्ध भगवान खाते हैं? हाँ। दोनों खाते हैं तो अनंत खाते हैं? हाँ। बोला फिर बोलो कहाँ जाता कहाँ है? महाराज ने बहुत अच्छा प्रश्न किया ना, यदि मुर्दा खाता है तो मुर्दा खाना चाहिए, अकेला शरीर खाता है तो अकेला आत्मा खाता है तो सिद्ध भगवान को खाना चाहिए, और यदि दोनों मिलके खाते हैं तो अनंत भगवान को खाना चाहिए, क्योंकि दोनों मौजूद हैं। रब ने यहाँ कबला हाल है नहीं। तो असलियत में इसमें चक्कर क्या हुआ? वो दुक्रियावाद का चक्कर है, ये दुक्रियावाद है ना, क्योंकि वहाँ क्रियाएं तो दो हैं भोजन करने में, और हमने मान ली एक। कौन कौन सी हैं दो क्रियाएं? एक तो थाली का माल इधर पेट में जाना क्षेत्र से क्षेत्रांतर, और एक है कि आत्मा में उसे खाने का राग होना। अब दो क्रियाओं का हमने एक नाम दे दिया तो हिसाब किताब नहीं बैठता है। अब हम अलग अलग नाम दें तो कहेंगे कि ये जो पुद्गल है यहां से यहां जाने का, इसका करता तो पुद्गल है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है, और जो हमारे राग हुआ उसके करता आत्मा है। अनाहार कितने देर रहता है डॉक्टर साहब? 2-3 समय। हाँ महाराज, वो जो आहार है वो कबला आहार का निषेध है, उस वक्त कर्मों का आहार तो वहाँ भी होता है, माने जो ज्ञान वर्णादि कर्म बनते हैं ना, ये सब चालू रहता है। अनाहार किसके लिए काम? हाँ, उन्हीं में 1-2-3 अनाहार का, 1 से लेकर 2-3 समय जो है ना बिगड़े गति में,
एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, सिद्ध जाए तो अवग्रह सीधा एक समय में, बाकी संसार में जाए तो दो समय में, तीन समय में, तो उन समयों में वो अनहारक रहता है। तो कौन सा हाँ, कबला हार नहीं होता, सिर्फ इतना अर्थ है, बाकी अर्थ हाँ होता है, बाकी होने दो, उतने देर के लिए कबला हार नहीं होता, नहीं होता। हाँ भूल तो है ही, लेकिन वो दो या तीन समय के लिए सिर्फ भोजन नहीं होता, लेकिन कर्म का आहार, कर्मान वर्गणा का बंधन तो वहाँ होता ही रहता है, उस वक्त भी तेजस वर्गणा कर्मान वर्गणा उनका बंधन होता रहता है। अच्छा, अभी तीसरी बात चलती थोड़ी सी, कि वो खाना में, खाने की दो क्रिया हुई, एक क्रिया राग की क्रिया और एक जड़ की क्रिया, तो जड़ की क्रिया का जड़ करता और राग की क्रिया का करता अज्ञानी आत्मा। तो अज्ञानी क्या करे, क्यों खाना तो ज्ञानी भी खाते हैं, मुनिराज भी आहार लेते हैं कि नहीं, तो वे ना तो खाने की राग की क्रिया के करता है और ना भोजन की क्रिया के करता है, तो वे क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो उनके दिल में राग होता है उस राग को और जो भोजन की क्रिया होती है वे उन दोनों को जानते हैं, तो वे ज्ञान क्रिया के करता है। तो तीन क्रिया होंगी, ज्ञान क्रिया, राग क्रिया और जड़ की क्रिया, है ना। तो राग की क्रिया का करता ज्ञानी आत्मा, ज्ञान की क्रिया का करता ज्ञानी आत्मा और जड़ की क्रिया का करता जड़। मनासी दास को दोहा, ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, उद्रव्य कर्म पुद्गल करे यो निश्चय परवान। ये निश्चय ने का कथन है। अब व्यवहार नहीं तो दुक्रियावादी है, इसने कह दिया ना आत्मा जो है ज्ञान वर्ण आदि कर्मों को करता है और भोगता है, पिछली कहा था 84 में, अब 5वीं में उसका खंडन कर रहे हैं। ये निषेध निषेधक संबंध है शरीर में, पहले वो है प्रतिपादन, तो उसने किया प्रतिपादन, और अगली गाथा में निश्चय ने उसका निषेध कर दिया। तो जो लोग ये कहते हैं कि समय सार में निश्चय की बात है व्यवहार की नहीं, वो बात सही नहीं है। वो ऐसी बात है कि कोई ये कहे कि रामायण में राम की बात है रावण की नहीं, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने रामायण पढ़ी है, 700 पेज के पद्म पुराण में 400 पेज रावण की चर्चा है और राम का नाम तक नहीं आता है, पढ़ लेना शुरू से। क्यों? कि राम के पिता दशरथ और सीता के पिता जनक ये रावण के अंतर्गत राजा थे, माने ये रावण उन दोनों से भी उम्र में बड़ा था, दशरथ जनक से, आप देखो पढ़ गई, तो ये राम का जन्म नहीं हुआ, जब जन्म होने की बात आई थी तो उसने ऑर्डर दिया था इन्हें मरवा देना क्योंकि इनके निमित्त से मेरा वो होगा, तो अब उसको राजा होगा ना सम्राट, जब उसने आज्ञा दी विभीषण को कि तुम दोनों को मरवा दो, तो आप समझ लो कि जब वो इनका जन्म होने वाला था तब वो कितना बड़ा होगा, सम्राट तीन खंड का मालिक था, है ना। तो अपनी बात क्या चल रही थी कि उसमें वर्णन राम रावण का ज्यादा है और राम तो बाद में आते हैं, तो बोलो उसका नाम रामायण क्यों रखा, रामायण क्यों नहीं। हाँ सुनो, तो उसका कारण है कि अंत में राम की जीत बताई ना, इसलिए वो रामायण है। जैसे कि अपन एक पहलवान के बहुत गीत गाएं, ख्याल में है ना, ऐसा पहलवान है, ऐसा है, ऐसा है, और अंत में कहें फला पहलवान ने उसके चारों खाने चित्त कर दिया, तो वो सारी प्रशंसा जिसने चित्त किया उस पहलवान के खाते में जमा हो जाएगी। तो रावण के जितने गीत गाए ऐसे रावण को लक्ष्मण या राम ने मारा, तो सारी प्रशंसा ट्रांसफर हो गई, राम के खाते में जमा हो गई, अकेला राज्य ही नहीं हुआ तीन खंड का, बल्कि वो प्रशंसा थी, समझे ना। तो इस तरीके से वो रावण का भी वर्णन है और राम का, तो समय सार में व्यवहार का वर्णन भी है और निश्चय का। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि व्यवहार रावण है और निश्चय राम है, तो दोनों नयों का वर्णन है, इतनी सी बात है, ख्याल में है ना। और जो कोई भी कहानी होती है उस कहानी में एक नायक होता है, एक खलनायक होता है, खूब धमाधम होती है और अंत में नायक खलनायक को खत्म कर देता है और भारतीय कहानी सुखांत होती है, आप जानते हैं। ये ट्रेजेडी आई है जो हिंदुस्तान में, ये तो विदेश से आई है, हिंदुस्तान में तो नियम था काव्य शास्त्र का कोई ट्रेजेडी नहीं लिखेगा, सब काम कोई कॉमेडी होगी, मतलब अंत में सुखांत होना चाहिए महाकाव्य,
उपन्यास कहाँ जो भी हो सुखांत होना चाहिए। एक मिनट बहुत मार्मिक बात बता रहा हूँ मैं आपको सुखांत के मामले में। तो सुखांत क्या है, एक था लड़का, एक दो थी लड़कियां, खूब धमाधम झगड़ा हुआ, ये हुआ वे हुआ, और अंत में वो लड़का लड़की जिनको प्रेम करते मिल गए, बस सुखांत हो गया। ये सुखांत है भोगांत, तो कहानी खत्म वहां हो गई, तो सुखांत नहीं है। यदि सुखांत होना भारतीय संस्कृति है तो असली जैन कहानियां ही सुखांत हैं, क्योंकि तब तक उस कहानी का हम अंत नहीं करते हैं जब तक वो मोक्ष में ना पहुंच जाए। चलो 10 भव 20 भव 50 भव मारी से लेकर महावीर तक घुमाते रहे, ये खत्म करो ना कहानी। अभी नहीं, कब रही है अनंता अनंत काल यथा तथा सिर, अब कहानी खत्म हो गई बस। तो मोक्ष में जो कहानी खत्म हो वही वास्तव में सुखांत है, बाकी कहानियां तो भोगांत हैं। हाँ, तो अभी बात चल रही थी कि दुख क्रिया बाद जिनेन्द्र भगवान को असहमत है, जिनेन्द्र भगवान इससे असहमत है। बनारसी दास नाटक समय सारे बहुत अच्छे छंद है उसमें, दुख क्रिया बाद भी है क्या, दुख क्रिया बाद संबंधी छंद बनारसी दास ने नाटक समय सार में अमृतचंद के कलशों के आधार पर और टीकाओं के आधार पर बहुत अच्छे छंद लिखे हैं उसमें। दुख क्रियावादी कैसे होते हैं, दुख क्रियावाद का मतलब क्या है, दुख क्रियावाद क्यों गलत है। टीका पढ़ू महाराज, इस लोक में जो क्रिया है वह पहले से ही सभी परिणाम स्वरूप है, इस कारण परिणाम ही है, कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, और परिणाम तथा परिणामी दोनों अभिन्न वस्तु हैं, भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, इसलिए परिणाम परिणामी से पृथक नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो कुछ किया वह क्रियावान द्रव्य से पृथक नहीं है, इस प्रकार क्रिया का और क्रियावान की अभिन्नता है। ऐसी वस्तु की मर्यादा होने से जैसा जीव व्यापक व्यापक भाव से अपने परिणाम को करता है और भाव भावक भाव से उसी अपने परिणाम का अनुभव करता है भोगता है, उसी तरह व्यापक व्यापक भाव से उद्गल कर्म को भी करे और भाव भावक भाव से उसी का अनुभव करे भोगे, तो अपनी और पर की मिली हुई दो क्रियाओं का अभेद हुआ, ऐसा होने पर अपने और पर के भेद का अभाव हुआ, इस प्रकार अनेक द्रव्य स्वरूप एक आत्मा को अनुभव करने वाला मिथ्या दृष्टि होता है। परंतु ऐसा वस्तु स्वरूप जिनदेव के लिए नहीं कहा है, इसलिए जिनदेव के मत के बाहर है। देखो इसमें क्या है, मैं मार्म की बात आपको बताता हूँ। परिणाम, परिणामी और परिणमन तीन चीजें हैं, जैसे या परिणमति स कर्ता वो परिणामी, या परिणमति स कर्ता, या परिणामा भवे तब कर्म, कर्म कर्मन ज्ञान वर्णादि नहीं, कर्ता कर्म वाला कर्म, वो जो परिणति वो जो क्रिया हुई वो परिणति। तो इसमें ये लिखा है कि ये तीनों नियम से अभिन्न होती है, माने जो वो कर्म है वो परिणति, ये दोनों अलग अलग हैं क्या, यानी मिट्टी से घड़ा बना वो घड़ा है कर्म, वो बनने की क्रिया है क्रिया, तो घड़ा बनने, घड़ा बनना बना और बनने की क्रिया क्या फर्क है, वो कहते क्रिया और कर्म एक ही है, और वो क्रिया और कर्म कर्ता में ही होती है, कर्ता से, इसलिए कर्ता कर्म और क्रिया ये तीनों अभिन्न हैं। अब जब अभिन्न हैं तो वो व्यापक व्यापक भाव अभिन्न में होता है, तो व्यापक व्यापक भाव अभिन्न में होता 20 अगर है निकल मेरी दुख लिया बाद कर्ता कर्म अधिकार में होंगे, है ना। तो ये क्या कह रहा था मैं, व्यापक व्यापक भाव में ही कर्ता कर्म होता है, तो जीव का परिणमन के साथ ही व्यापक व्यापक भाव है, पर द्रव्य के साथ व्यापक व्यापक भाव है नहीं, छह द्रव्य में नहीं है, तो वो उसका ही करता रहा। अब हमें ये माने कि हमने ज्ञान वर्ण आदि कर्म भी किए और हमने मोह राग दोष कर्म भी किए, तो ज्ञान वर्ण आदि कर्म का व्यापक व्यापक भाव तो संबंध पुद्गल कारमान वगैरह के साथ है, हमारा उसके साथ है नहीं। तो हमने क्या किया कि हम पुद्गल कर्म हैं ऐसा मान लिया, क्योंकि हमने उस कर्ता बने,
तो उसके व्यापक व्यापक के साथ में हमारा संबंध हो गया तो हम जड़ हो गए। तो ऐसी गाथा है कि यदि तू कर्म का कर्ता जब बन सकता है जब तू जड़ बनने को तैयार है। जब तू कहता मैंने कर्म किया इसका मतलब तू जड़ है। और स्वामी जी ऐसा कहते थे कि भैंस का पति तो पाड़ा होता है, हैं? यदि तू भैंस का मालिक बनना चाहता है तो तुझे पाड़ा बनना होगा, यदि तू जड़ का कर्ता बनना चाहता है तो तेरे को जड़ बनना होगा। और जड़ बनना तो कोई पसंद करता नहीं। और फिर भी बात है कि चेतन मिटना होगा क्योंकि दो काम एक साथ हो नहीं सकते। ये ऐसी बात है कि एक आज ऑफिस खोला किसी ने कि हम दिल्ली में हमें ऑफिस खोलना है एक कंपनी ने। तो उन्होंने कहा ऑफिस खोलने के लिए कम से कम तीन चीज़ें चाहिए, कौन कौन? एक ऑफिसर, एक क्लर्क और एक चपरासी, उसके बिना ऑफिस नहीं होता। तो इंटरव्यू बुलाया तीनों को, तीनों को इंटरव्यू बुलाया और तो पहले ऑफिसर का सिलेक्शन कर लिया। अब उनसे कहा मैनेजर साहब से कि आप भी हमारे बगल में बैठो क्योंकि क्लर्क से और चपरासी से आपको काम लेना है तो उसके सिलेक्शन में आपकी राय महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो बैठ गया। अब वो पत्र लिखने का ये करे, मैं कर लूंगा साहब। तो उन्होंने कहा ठीक है, नया नया ऑफिस खोल रहे हैं, ये साहब कहते कर लेंगे तो चलो छोड़ो छोड़ो इंटरव्यू इसको बताओ। फिर कहा चपरासी को क्यों ले रहे हैं? ये जाएगा झाड़ू लगाएगा और ये डाकखाने में पोस्ट कार्ड डालने जाएगा, ये करेगा। अरे हम तो गांधी जी के चेले हैं, हमें एक झाड़ू लगाने के लिए पूरा आदमी रखो, ये तनख्वाह दो, हम तो अपने झाड़ू लगा के बैठ जाएंगे क्या चटाई पे आराम से, कि अब इसकी जरूरत नहीं है। तो वो बोले हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि तुम्हारा सिलेक्शन हमने मैनेजरी पे कर लिया, क्या तुम्हारा चपरासी पे होना चाहिए था। अरे तुम्हें क्लर्क को चपरासी की जरूरत ही महसूस नहीं होती, ऑफिसर कैसे हो? तुम तीनों काम एक साथ करोगे, मैंने क्लर्क का भी, ऑफिसर का भी और चपरासी का भी, तो तीन काम एक साथ करे ऐसा ऑफिस हमें नहीं खोलना। ये बनिए की दुकान हो सकती है ऐसी, कोई सेठ जी हो गई मुनीम जी और भाई चपरासी, ये बनिए की दुकान नहीं खोलना है, हमें अपनी बड़ी कंपनी का बड़ा ऑफिस खोलना है। तो ऑफिसर का काम ऑफिसर ही करेगा, ख्याल में आए ना? वो जाके डाकखाने में डालने नहीं जाएगा, वो झाड़ू नहीं लगाएगा, अरे वो अपने हाथ से उठाकर पानी भी नहीं पिएगा, पिएगा तो हम नौकरी से निकाल देंगे। आखिर हमारी इज्जत का सवाल है, आखिर वो हमारा ऑफिसर है, हमारी कंपनी का ऑफिसर है। तो ऐसे ही आत्मा अपने भाव भी करे और पुद्गल के भी करे और दुनिया के भी कर दे तो वही हो गया। ये ऑफिसर बनने लायक ही नहीं है, चपरासी बनने लायक है। लाए निकाला पल पड़ बोल, हाँ बोल दुखड़ियाबाद के संबंधी छ कर्ता कर्म क्रिया करे क्रिया कर्म करता नाम भेद दो विधि भयो वस्तु एक निर्धार। हाँ क्या काफी हम बोले पढ़ो आधीठ दुख, हाँ जो बदल गया है उसके भी पहले, जो तुमने पढ़ा ना उसके भी पहले से शुरू है। हाँ हाँ जी जी
कर्ता परिणामी दर्व क्रिया रूप गुणनाम फिर एक त्रय नाम, एक वस्तु तीन नाम है, कर्ता कर्म और क्रिया, तो इनमें व्यापक व्यापक भाव होता है, तो इस उसी भाव का कर्ता वो हो सकता है। पर द्रव्य में तीनों चीजें फिर अलग है, तो उनका कर्ता वो होगा। यदि वो काम हम करने लग जाएं उसका, तो वो क्या करेगा? यदि वो काम हम करने लग जाएं, तो वो क्या करेगा? आप समझे ना, इसलिए कहते हैं प्रत्येक द्रव्य अपने अपनी क्रिया का कर्ता है, इसी में शांति है ना। मेरे साथ यहाँ कहा था कि नहीं कहा था, सच्ची घटना है महाराज, कि मेरी लड़के बड़ी लड़की की शादी होनी थी, मेरे पिताजी मेरे साथ रहते थे, तो कभी कोई बात चलती थी तो मेरे से पूछते थे क्या हुआ भैया, तो मैंने कहा तुम्हारे बच्चों की शादी हो गई, तुम इस चिंता को मत करो, तो अपने हम इतने योग्य हैं अपने के हम निपटा लेंगे। कि तुम उपदेश देते हो, तुम एक मिनट में ये नहीं बता सकते कि क्या हुआ। मैंने कहा इसलिए देते हैं कि यदि तुमने हमारे बच्चों की चिंता रखी, तो हमें अपने बच्चों के बच्चों की चिंता रखनी पड़ेगी, और हम नहीं चाहते हैं कि हम बुढ़ापे तक इस झंझट में फंसे रहें। आपने अपना निपटा